बीरबल, आपको पता है हम जवानी के दिनों में बड़े नास्तिक किस्म के हुआ करते थे। खुदा, पाप, पुण्य, जन्नत, दोजक, इन चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं किया करते थे हम। फिर जापन आप में बदलाव कैसे आया? बीरबल, फिर हमारी शादी हो गई, जन्नत और दोजक दोनों में यकीन हो गया। अरे वाह 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 बीरबल, आपके हाथों में ये सोने की पहुंची जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये पहुंची आपके हाथों में कहां से पहुंची? ये जापना, ये पहुंची हमें भेंट में मिली। जापना, हमें अंदर आने दो। जापना, आपके भ्रष्ट दरबारियों से पीड़ित हैं हम। अरे आने दीजिए, उन्हें अंदर आने दीजिए। जापना, हमारा नाम संचित है, मथुरा के तहसीलदार बनने के हकदार है हम। जापना, वो नौकरी हमें मिलनी चाहिए हमारी काबिलियत को देखकर। लेकिन जापना, वहां रिश्वत लेकर एक नाकाबिल लड़की को नियुक्त कर दिया गया है। वो रिश्वत लेने वाला आपका खास दरबारी है जापना। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका इशारा किसकी ओर है? बीरबल जी की तरफ। ये यहाँ के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है। क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप? बीरबल पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले आपके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। जापना, सबूत तो खुद बीरबल जी के पास है, उनकी कलाई पे बंधा हुआ है। जापना, पूछिए इनसे, इनके पास ये सोने की पहुंची कहां से आई? देखिए, आपका इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। जापना, हमने तहसीलदार की नौकरी करीना को दी है, उसकी काबिलियत को देखकर, और नौकरी मिलने के बाद उस खुशी में उन्होंने हमें ये पहुंची भेंट की है। ये भेंट है, कोई रिश्वत नहीं। झूठ! जापना, आप अभी करीना को दरबार में बुलाइए और उसकी परीक्षा लीजिए। आपको पता लग जाएगा जापना कि उसमें कितनी और कौन सी काबिलियत है। हम नहीं मानते, बीरबल कभी रिश्वत नहीं ले सकते, हमें इनकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। हाँ हाँ, लेकिन जापना, ये हाथ में बंधी सोने की पहुंची कुछ और ही इशारे कर रही है। हमें करीना को यहां बुलाकर ये बात साफ कर देनी चाहिए, कोई शक। करीना को हमारे सामने पेश किया जाए। जहांपना की जय हो, हमारे गुनाह माफ कीजिए। देखा जहांपना, देखा, इसने खुद कबूल किया है कि इसने रिश्वत देकर गुनाह किया है। अरे वाह, नाम करीना, ऊपर से हसीना, समझ गए जहांपना, ये नौकरी कैसी मिले इन्हें, कोई शक। जहांपना, 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 कहाँ खो गए? करीना, 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 हमें बताइए कि ये बीरबल के हाथ में जो पहुंची है, क्या आपने इन्हें रिश्वत में दिए? ये सोने की पहुंची तो हमने खुद बीरबल जी को दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे नौकरी दिलाई थी। हाँ, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है जहांपना? हाँ हाँ जहांपना, अगर हमें ये मामला सुलझाना है तो हमें इन दोनों का इम्तिहान लेना होगा। इससे संचित की दावेदारी भी साबित हो जाएगी कि वो कितना काबिल है, कोई शक। ज
जल्दी जल्दी सोचो और जल्दी जल्दी लिखो। दीजिए ए लड़की दे दे। पढ़ने के लिए तो हम पढ़ लेते लेकिन आज हमारा दिल नहीं कर रहा है दुर्बल जी। जहां पर देखिए जहापना, ये है करीना के उत्तर एकदम साफ। देखा जहापना, सब कुछ साफ हो गया ना। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है जहापना। इस लड़के को कुछ भी नहीं आता है जहापना। आप इंसाफ करें जहापना, ये सब कुछ बिरबल जी ने किया है। ये क्या है बीरबल, क्या है ये? अब आप ही बताइए कि करीना की काबिलियत आपने किन पैमानों पर जांची? कैसे इस पोंची से बड़े ही पहुंचे हुए निकले आप बीरबल। ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है बीरबल? ऐसा लगता है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसे वापस आने में वक्त लग जाएगा राजा बीरबल। लगता है आपकी कान की बीमारी घूम कर आपकी आंखों तक पहुंच गई है। हम बादशाह अकबर हैं, बीरबल वो हैं। तो है? नहीं नहीं क्या पड़ा, बीरबल जी तो प्यारे से एक ही हैं। हाँ, और वो जो एक बीरबल है वो ये है। तो आप कीजिएगा जहाँ पर ना, वो हमारी आँख की पुतली ना थोड़ी हिल गई है इसलिए। सिर्फ पुतली नहीं, आप पूरे के पूरे हिल गए हैं। हमें तो लगता है बहुत जल्द आप अंधे हो जाएंगे। अंधे बीरबल? हाँ जहाँ। अरे हकीम जी, आप इन्हें देखिए, ये पागल हो चुकी हैं। नहीं 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 बीरबल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये तो पागल हो गई हैं। करीना, करीना ये बताइए कि यहाँ आने से पहले आपने कुछ खाया था? हाँ, इमली, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी। क्या कर रही है पगली ऐसे थोड़ी जापना? अरे बीरबल, ये तो कुछ बता ही नहीं रही है, ये तो क्या पेड़ वेड़ खाकर आई है पता नहीं। लेकिन जापना, इनका ठीक होना बहुत जरूरी है, ये हमारी इकलौती गांव है। अब बीरबल आप ही बताइए कि हम क्या करें। देखिए, आपके ऊपर जो इल्जाम लगा है उसके बारे में पता लगाने के लिए हमें तफ्तीश करनी होगी। अब ये तफ्तीश हम आप ही से तो करवा नहीं सकते। शाही खून है हम अब्बा हुजूर।
करीना जो है हसीना, इसलिए अब इनको इंसाफ हम दिलाएंगे, इसलिए इस मामले की तफरीश हम करेंगे। तबलीज कवरीज तकलीफ क्या सब था बहुजूर वो? आप ये सारी चीजें करते रहिए, तफ्तीश जो करनी है वो दुर्बल करेंगे। जी जी जहाफना। जहाफना, जब तक हम बेगुनाह साबित नहीं होते, ये पहुंची आपके पास है। आप जरा ऐसे ही रुकिए, हम आ रहे हैं। अनारकली, क्यों शहजादे, किसके ख्यालों में खोए थे? उस करीना के? अरे नहीं अनारकली, हम तो तहकीकात की तैयारी में लगे हुए थे और आपको इल्म हो रहा है कि हम करीना हसीना के बारे में सोच रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप वासु से पूछ लो। ए वासु। हाँ अनारकली, सलीम भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अपने दुर्बल चाचा है ना, उन्होंने हमें अपने साथ तहकीकात में शामिल कर लिया है। दीमा। अच्छा, तो अब आप तहकीकात करेंगे? चलिए पहले ये तहकीकात कीजिए कि हमारे बदन पे एक खूबसूरत सा तिल है, एक ही तिल है, और वो कहाँ है? अगर आपने ढूंढ लिया तो आज की शाम आपके नाम। हाँ सलीम भाई साहब, आप भी चलो चलो। हाँ माँ भैया। और अगर अंदर आने की कोशिश भी की तो हम तेरे शरीर पे इतने तिल करेंगे कि तेरे शरीर पे सिर्फ तिल ही तिल दिखेंगे। हाँ नारकली। हाँ तो तिल आपके शरीर पे शाम अनारकली की, वासुदेव के नाम। चलो अनारकली दीमा। हम तुझे दिखाते शाम, शाही खून की शाम। तिल मिल गया, तिल शाम। अब हकीम जी, हकीम जी कुछ मिला? बीरबल जी, इन बही खातों के पन्नों के कोनों पे दिमाग का संतुलन बिगाड़ने वाली दवाई लगाई गई है जो धीरे धीरे इंसान को पागल कर देती है। ये देखिए। Oh!
क्या है ये राजा दरबान, ये क्या है? राजा बीरबल बताएंगे। बोले क्या है, हम अच्छे खासे सुनहरे सपने देख रहे थे, किताबों की दुकान हमारे सामने लाकर क्यों रख दिया आपने? जा बना, ये सारी वही बही खाते की किताबें हैं जो करीना रोज पढ़ती है। तो हमने अपनी तरह से तहकीकात की है जापन, इन सारी किताबों के पन्नों के कोने पर एक ऐसी दवाई लगाई गई है जिससे इंसान पागल हो जाए। बीरबल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जापना, इन किताबों के पन्नों पे वो पागल बनाने की दवाई लगाई गई है। लेकिन ये सब किसी ने इसलिए किया है कि किसी को पता न चले करीना कितनी बेवकूफ है, कितनी नाकाबिल है, कितनी नासमझ है। और ये सब किया है बीरबल जी ने ताकि इनकी सच्चाई किसी के सामने ना आए। कोई शक जी? आप क्या कह रहे हैं बीरबल जी? समझाते हैं बीरबल जी। जहां पना, इन बही खातों के पन्नों पे जो जहर लगा है वो ही जहर हमें बीरबल जी के कमरे में मिला, इस शीशी में। कोई शक? ये क्या है बीरबल? जापनाब, दुर्बल जी ये बताइए कि आपको हमारे कमरे में जाने की इजाजत किसने दी? वो इजाजत हमने दी क्योंकि तहकीकात तो करनी थी बीरबल, लेकिन मुद्दा ये है कि ये शीशी आपके कमरे तक पहुंची कैसे? बताइए बीरबल, ये शीशी आपके कमरे में क्या कर रही थी? बताइए बताइए। जापनाब, हमें एक और मौका दीजिए, हम खुद को बेगुनाह साबित करके रहेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये शीशी हमारे कमरे में कैसे पहुंची। ठीक है बीरबल, एक मौका देते हैं, लेकिन ये आपका आखिरी मौका है। ठीक है जापनाब। बीरबल जी एक बात बताइए, ये दवाई वाली शीशी आपको हमारे कमरे में कहां से मिली? वो बताइए ना, कहां से मिली? वो उस अलमारी के ऊपर छुपा के रखी थी। हाँ। उस अलमारी के ऊपर? हाँ। जा बना की जय। बीरबल ये क्या लेकर आए हैं आप? जा बना, ये रंगीन पानी। ओहो, तो आप हमारे दरबार में होली खेलेंगे? अरे नहीं नहीं जा बना, ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, ये जादुई पानी है, चमत्कारी है। इस पानी की खासियत यह है जापना कि इस पानी में अगर कोई भी चीज डाली जाए तो वो सीधा अपने मालिक तक पहुंच जाती। हम कुछ समझे नहीं बीरबल। हम बताते हैं आप, हमारे पास दो शीशियां, एक हमारी है और दूसरी पागलपन की दवाई वाली शीशी है। हम पहले इस शीशी को पानी में डालकर देखते हैं कि क्या होता है। देखिए जापना, ये शीशी पानी में तैर रही है क्योंकि इसके मालिक हम इसके पास खड़े। अब ये दूसरी शीशी पानी में डालते हैं, अब देखते हैं कि दूसरी दवाई वाली शीशी के साथ क्या होता है, क्या ये अपने मालिक के पास पहुंचती है या नहीं। अरे जापना देखिए क्या हुआ। ये शीशी तो डूब गई। इसका मतलब ये शीशी अपने मालिक के पास पहुंच गई। कौन है इसका मालिक? देखिए देखिए, जल्दी बताओ कौन है कौन है कौन है।
कौन है? राजा बिरबल, संचित ने अपनी जेब टटोली। ओहो, तो संचित है इसके मालिक, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। कहाँ जा रहा है संचित? पकड़ो इसे। जापना, ये सब क्या हो रहा है? हम समझाते हैं जापना। जापना दुर्बल जी को हमारे कक्ष में जिस अलमारी पर ये दवाई वाली शीशी रखी हुई मिली, वहां से हमें कुछ काला चिपचिपा सा पदार्थ भी मिला। आम तौर पर ऐसा पदार्थ तेल की दुकानों पर पाया जाता है जापना। और संजोग की बात देखिए जापना, ये संचित जो है, इसके पिता चंपू सिंह तेली हैं। दरअसल हमें संचित पर शक हुआ, इसलिए हमने राजा दरबान के साथ मिलकर ये रंगीन पानी वाला खेल खेला। जापना, ये कोई जादुई पानी नहीं, हमारी शीशी इस पानी में नहीं डूबी क्योंकि हमारी शीशी के अंदर हवा भरी थी, और ये दूसरी शीशी डूबी क्योंकि इसके अंदर दवाई थी। पर हमारे इस खेल से संचित का पर्दाफाश हो गया। हाँ बीरबल, हाँ, हमने भी बचपन में पढ़ा था कि हवा डूबती नहीं है, फिर हमने सोचा कि ये कैसी पढ़ाई हुई, हमने पढ़ाई छोड़ दी। फिर भी बीरबल, अब तक एक बात साफ नहीं हुई कि ये शीशी आपके कमरे तक पहुंची कैसे। जापना, संचित को ये बात पता थी कि करीना कोई भी किताब पढ़ते वक्त अपनी उंगली को अपने जुबान पर लगाकर पन्ने पलटती है। उसने इसी बात का फायदा उठाया, किताब के पन्नों के कोने पर उसने ये पागलपन की दवाई लगाई ताकि धीरे धीरे करीना पागल हो जाए, और जब वो पूरी तरह से पागल हो गई तो वो उसे यहां दरबार में ले आया ताकि वो इस बात को सिद्ध कर सके कि हमने रिश्वत लेकर करीना को नौकरी दी। संचित, लेकिन तुम अपने ही खेल में फंस गए। अब ये दवाई की शीशी हमारे कमरे में कैसे आई, इस बात का जवाब तो संचित ही देंगे। बताइए संचित। अरे संचित, अरे जापना, पूरी दवाई एक साथ। अरे क्या कर रहे हैं ये? छोड़िए, पागल हो जाएंगे आप। बीरबल रोकिए, छोड़िए। जापना, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है जापना? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? अरे क्या लगता है, पागलपन की दवा पीकर ये पूरी तरह पागल हो गए हैं। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें, ले जाओ। सिपाही संभाल के। और बीरबल, आप पर लगाए हुए सारे इल्जाम हम राजा दरबार हमारी पीठ पे मारिए खारिज करते हैं, खारिज करते हैं। या बीरबल, या ये लीजिए बीरबल, आपकी अमानत। पहुंचे हुए बीरबल के लिए पहुंची, जो आखिर में जाकर बीरबल तक पहुंची। हा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 ह